हेलो नमस्ते किसान साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। किसान साथियों, आज के नए वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। इस वाले वीडियो में आप लोगों को मैं अंकुर अर्च 2239 मिर्च की जो वैरायटी है उसका कैसा पौधा बनता है, पौधे में क्या कमी क्या खूबी है और क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ आज के इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। फल फूल कैसा लगता है वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक से एक अच्छी अच्छी मिर्च की जो वैरायटी है उसके बारे में मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आज देखते हैं अंकुर अर्च 2239 कैसा मिर्च है, कैसा उसका उत्पादन होता है और किस प्रकार से फलता है, फल का साइज कैसा होता है, चलिए देखते हैं। किसान साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं दो लाइन में लगाया हूँ अंकुर अर्च 2239 मिर्च। इधर अलग ही पौधा दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं पौधा कैसा तैयार हुआ है। तो किसान साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंकुर अर्च 2239 का पौधा। तो पौधे में आप लोगों को क्या देखने को मिला, कुछ आप लोग ध्यान से देखिए। तो यही देखने को मिला होगा कि मिर्च की कुछ कुछ पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और पत्तियों पर पीली धब्बे के साथ साथ काली धब्बे भी हैं। तो ऐसा शायद पाउडरी मिल्यू लगा था इस वाले मिर्च की खेती में, इस वाली वैरायटी में, मतलब सभी वैरायटी में लगा था। वो तो स्प्रे कर दिए हैं कस्टूडिया फंगिसाइड का, अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन उसके बाद भी पाउडरी मिल्यू ठीक होने के बाद भी पत्तियां पीली और काली होकर झड़ रही हैं कुछ इस प्रकार से। खास करके यही वाले वैरायटी में है जो अंकुर अर्च 2239 है, इसी वैरायटी में ज़्यादा है ये वाला समस्या। बाद बाकी पाउडरी मिल्यू तो सभी मिर्च की खेती में लगा था, सभी वैरायटियों में सब ठीक हो गया, लेकिन ये ठीक होने के बाद भी पत्तियां झड़ रही हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पीली और काली पड़ के कुछ इस प्रकार से, देखिए पत्तियां पड़ी हुई हैं और नीचे कुछ इस प्रकार से भारी मात्रा में पत्तियां झड़ रही हैं। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, फूल भी काफ़ी झड़ रहे हैं। तो इसमें मेरे को लगता है कि किसानों का कोई गलती नहीं है, ये वैरायटी में ही कुछ न कुछ लोचा है। क्योंकि उधर आप लोग देख सकते हैं दूर में, चलिए आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये है कलश का वासु हाइब्रिड चिली मिर्च। तो इसमें देखिए पाउडरी मिल्ड्यू इसमें भी लगा था, आप लोगों को पता ही होगा, उस दिन स्प्रे कर रहा था, आप लोगों को दिखाया था। तो बराबर रूप से सब में रोग लगा था, लेकिन इसकी पत्तियां नहीं झड़ रही हैं, देख सकते हैं आप लोग। पाउडरी मिल्ड्यू ठीक हो चुका है, नहीं है मतलब अभी पौधे में नहीं है, लेकिन देखिए पत्तियां नहीं झड़ रही हैं, फूल भी नहीं झड़ रहे हैं। जबकि इधर अंकुर अर्च की पौधे आप लोग देख लीजिए, पत्तियां पूरी पीली पड़ पड़ कर नीचे गिरते जा रही हैं और कुछ इस प्रकार से जमा हो गई हैं। तो अंकुर अर्च 2239 मेरे को नहीं लगता है कि ये अच्छा मिर्च है, क्योंकि मेरा क्या राय है आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा। मैं तो यही मानता हूँ कि जो पतली पत्तियाँ वाली मिर्च होती है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा नाजुक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, उनमें कुछ भी रोग आता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पौधे को प्रभावित करता है। इसलिए इसमें देखिए अंकुर अर्च 2239 पतली पत्ती वाली मिर्च है, इसकी जो पत्तियां हैं काफ़ी पतली पतली है। और बाकी जो मिर्च है, जैसे मैं लगाया हूँ यूनिसेम यूएसएम गंगा, उसकी पत्तियां तो काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं, जेके 176 हो गया, बाद बाकी सभी मिर्च की पत्तियां चौड़ी हैं, इसकी थोड़ा सा पतली हैं। इसीलिए शायद मेरा यही मानना है, पहले भी मैं लगाया था पतली पत्ती वाली मिर्च तो पत्ती झड़ने का समस्या काफ़ी देखने को मिला था। तो मेरे को नहीं लगता है कि ये जो वैरायटी है वो अच्छा है। बाद बाकी मैं किसी भी वैरायटी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। तो वैसा नहीं है कि किसी भी प्रकार के फंगिसाइड का स्प्रे नहीं किया हूँ, लगभग 2-3 स्प्रे हो चुका है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, और एक स्प्रे करना है, उतना में ठीक हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये वाला मिर्च केवल मेरे पास अभी 2 लाइन मौजूद है, क्योंकि इसको मैं बाकी को बेच दिया अपने गाँव के लोगों के पास ही। तो किसान साथियों, यह रही अंकुर अर्च 2239 मिर्च की खेती, कुछ इस प्रकार से मेरा तो हाल है। आप लोग यदि लगाए होंगे तो कैसा हुआ है आप लोगों का कमेंट करके बताइएगा, और यदि पहले लगाए थे तो भी बता दीजिएगा कि कैसा हुआ था। और किसान साथियों, बस इतना ही, टाइम पास नहीं करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।